जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति में, जिसमें आप देखेंगे श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर लिधौरा में विराजमान मूल नायक श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान के स्थापना के 1000 वर्ष पूर्णता पर सहस्राब्दी वर्ष की मंगलमयी बेला पर आयोजित श्री मज्जिनेन्द्र पंच बाल्यती त्रिकाल चौबीसी 20 तीर्थंकर जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव संत शिरोमणि युग श्रेष्ठ आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से उनके सुयोग्य शिष्य पाठशाला प्रेरक मुनि श्री 108 निर्णय सागर जी महाराज एवं एलक श्री 105 क्षीर सागर जी महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ। यह महोत्सव इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों से सदा के लिए अमर हो गया। महोत्सव के प्रथम दिन 10 जुलाई को सूर्योदय होते ही सभी भक्त कार्यक्रम स्थल पर एकत्रित हुए। पुरुषों ने सर्वप्रथम श्री जी का मंगल अभिषेक किया। कुछ ही क्षणों बाद ध्वजारोहण के माध्यम से महोत्सव की मंगल शुरुआत हुई। ध्वजारोहण उपरांत मंगल घट यात्रा निकाली गई। यात्रा में सभी ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। बच्चों ने ध्वजा, महिलाओं ने मंगल कलश और पुरुषों ने श्रीजी को लेकर चलने का सौभाग्य प्राप्त किया। विविध मार्गों से होती हुई घट यात्रा जब कार्यक्रम स्थल पहुंची, तो मंडप का उद्घाटन किया गया। इस मंगल अवसर पर पूज्य मुनिश्री ने भक्तों को मंगल उपदेश भी दिया। स्वामी जी ने इस श्लोक के माध्यम से कहा है, संसार में यदि कोई विद्वान है, संसार में यदि कोई पंडित है, संसार में कोई यदि जानकार है, तो वह यदि इतना जानता है कि जीव का दुश्मन निपाप होता है और जीव का मित्र धर्म होता है, तो वही यहाँ पर श्रेष्ठ पंडित विद्वान जानकार कहा गया है। यहाँ पर लंबे समय से प्रतीक्षित पंडित कल्याण महोत्सव विलंब से ही सही अत्यंत मंगलमय वातावरण में प्रारंभ हो रहा है। मध्यकालीन बेला में पूजन विधान का भव्य आयोजन हुआ।
पूजन विधान संपन्न होने के बाद सायंकाल गाजों बाजों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। सभी भक्तों ने भजनों की मधुर ताल के साथ प्रभु की आरती उतारी। आरती के उपरांत वो अवसर आया जिसका इंतजार भक्तों को हर पंच कल्याणक में रहता है, और ये अवसर था सांस्कृतिक कार्यक्रमों का, जिसके अंतर्गत इंद्र आदि पात्रों ने तीर्थंकर प्रभु के गर्भ कल्याणक का सजीव चित्रण किया। ऐसा दृश्य देखकर सची इंद्राणी आश्चर्यचकित हो जाती है, आखिर क्या बात है। हे नाथ, अभी अभी हमारा सिंहासन क्यों कंपायमान हुआ है, इसका क्या कारण है? मेरा मन बड़ा आश्चर्यचकित हो रहा है, कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। हे देवी, मैं अब इस ज्ञान से अब पता लगाता हूँ। और देवराज इंद्र तर्जनी उंगली को मस्तक पर रख लेते हैं और अवध ज्ञान लगाने लगते हैं। ओ और बिना किसी से कुछ कहे सात कदम आगे बढ़कर साष्टांग नमस्कार करते हैं। जय हो नमोस्तु आदिनाथाय, नमोस्तु वृषभाय, नमोस्तु आदिनाथाय। ऐसा दृश्य देखकर सचिन रानी आश्चर्यचकित हो जाती है। हे नाथ, थोड़ा अभी अभी आपने किसे नमस्कार किया है, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई जिन मंदिर है, ना कोई जिन चैत्यालय है, ना ही कोई महापुरुष है, फिर आपने किसे नमस्कार किया है? क्योंकि आपका मस्तक किसी साधारण व्यक्ति के सामने नहीं झुकता है। हे देवी,
और मेरे सभासदो ध्यान से सुनो, आज से 15 माह बाद जम्मू द्वीप के भरत क्षेत्र के आदिकाल खंड में महाराजा नामी राय के बारह राय में मरुदेवी के गर्भ में टीटी खंकर प्रभु का गर्भावर्तन होगा। और बहन अपनी आत्मा के साथ करो आत्मा का कल्याण करोगा। महोत्सव के दूसरे दिन भी इसलिए विधान पूजन प्रवचन एवं सायंकालीन आरती व सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न हुए। तीसरे दिन जन्म कल्याणक का भव्य आयोजन हुआ। प्रातःकाल सभी ने पूजन विधान का आनंद लिया। विधान पूजन के चलते तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ और सभी इंद्र इंद्राणी नृत्य भक्ति के माध्यम से भक्ति की सरिता में डूब गए। और नमस्कार करने के पश्चात सौधर्म इंद्र खड़े होते हैं तो सचिन रानी कहती है। महोत्सव में आगे सौधर्म इंद्र एवं इंद्राणी के बीच तीर्थंकर बालक को लेकर हुए एक सुंदर संवाद की प्रस्तुति दी गई। व्यक्ति के आगे नहीं झुकता है। हे देवी और मेरे सभा में आप तो जानती हो मेरा बस्तर तीन लोग के नाच के अलावा कहीं किसी के सामने नहीं झुकता है। और जिनका हम इंतजार कर रहे थे, जिसका 15 महीने पहले से घरावसा बनाया आदिनाथ भगवान। जय हो खुशियों में गाए लहर लहर लहराए।
दर्शकों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। हम कल फिर हाजिर होंगे अगले दिन की झलकियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए पारस चैनल। जय जिनेंद्र। चले मंद पवन चहो और रे।